सो हेलो गाइस, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा दोस्तों, तो वही स्टेटस आज हम बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, ऐसा स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एलाइट मोशन। सो अगर आपके पास वो नहीं है तो दोस्तों डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल में उसकी लिंक है या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन प्रोजेक्ट की लिंक है, सेक इफेक्ट, बिटमार्क सॉन्ग और दोस्तों PNG की। तो तीनों प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। एलाइट मोशन में इनपुट करते नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको इफेक्ट डाउनलोड करने में, तो ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है दोस्तों, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना दोस्तों। सो वहाँ पर आप मैसेज करोगे तो आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी सब कुछ। सो गाइस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ से आपको एलाइट मोशन को ओपन कर लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे एलाइट मोशन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पर क्लिक कर देना तो आपने जो भी इनपुट किए हैं प्रोजेक्ट इसमें वो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों आपको ऊपर ही तीन प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बिटमार्क सॉन्ग और सेक इफेक्ट और PNG तीनों प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको जो भी हमारा बिटमार्क सॉन्ग है उसे ओपन कर लेना है। उसे जैसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से सॉन्ग और बीट लगी हुई आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए नीचे प्लस का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फ़ोटो आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है फ़ोटो तो आपको इस वाले फोल्डर के नाम पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको सारे मोबाइल, जितने भी मोबाइल में फोल्डर है सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। जिस फोल्डर में भी फ़ोटो मिलेगी आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना। अगर इस तरह की फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारी फ़ोटोज अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर फ़ोटो लगाने के लिए आपको इस तरह से फ़ोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट दिखेंगे गाइस, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको पाँचवें नंबर पर मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, तो उस पर क्लिक करना। उसके बाद इस तीर के निशान पर क्लिक करना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कट कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर से इस वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना, फोटो पर क्लिक करना और थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, तीर के निशान पर क्लिक करना और यहाँ से कट कर देना। दोस्तों इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी फोटोज आपको लगाकर पूरा वीडियो बना लेना है, ठीक है दोस्तों। तो सारी फ़ोटो लगाकर मैं बता देता हूँ जल्दी से, तो आप भी इसी तरह से पूरी फ़ोटो लगा लेना। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो तो देखते हो दोस्तों लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो भी बना लेते हो सब कुछ लेकिन सपोर्ट बहुत कम करते हो दोस्तों। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। अगर वहाँ भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका भाई हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू स्टाइल में लेके आता रहता है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट सब कुछ सब दूर बताते रहना। सो गाइस, इस तरह से मैं सारी फ़ोटोज़ लगा लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से सारी फ़ोटो लगा लेना दोस्तों, इस तरह से जिस तरह से मैंने सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, सारी फ़ोटो ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ से इस तरह से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद हमें जो सेक इफेक्ट है दोस्तों उसे ओपन कर लेना, ठीक है दोस्तों। सेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना और यहाँ पर इस तरह से फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों, और ऊपर थ्री डॉट दिखेंगे, सॉरी गाइस नीचे कोने में, उस पर क्लिक करना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना दोस्तों, और बैक जाने के बाद आपको बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से आगे आ जाना है 1.8 सेकंड पे। उसका ये जो फोटो दिख रही है इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा। उसका एक फ़ोटो छोड़कर आगे आना दोस्तों 2.26 सेकंड पे, और जो फोटो आ रही है इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना दोस्तों। फिर आगे वाली फ़ोटो पर भी इस तरह से लगा देना, तो इन दो फोटो पर लगा देना इफेक्ट। उसका जो एक फ़ोटो आ रही है उस फोटो को छोड़ देना, और दोस्तों ये जो दो दो फोटो दिख रही है इन दो दो फोटो पर इफेक्ट लगा लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको इफेक्ट लगाते जाना है लास्ट तक। जो भी प्रॉब्लम आती हो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मैसेज कर देना, तो आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ, ठीक है गाइस।
सो गाइस, अगर आपको अपने चैनल का प्रमोशन करवाना है तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो अगर आपका नाम आएगा लकी ड्रा में तो आपको भी इसी चैनल में प्रमोशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सो जिसको भी करवाना है आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं लास्ट तक इस तरह से इफेक्ट लगाकर बता देता हूँ, दो दो फोटो पर, और आपको इसी तरह से सारी फ़ोटो पर इफेक्ट लगाना है। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों इस तरह से आपको इफेक्ट लगा लेना है लास्ट तक। उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से फिर से शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना, ठीक है दोस्तों। शेक इफेक्ट को फिर से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरह से दूसरे नंबर की फ़ोटो मिल रही है, तो दूसरे नंबर की फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, और इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों, और थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ से फिर से बैक चले जाना, ठीक है दोस्तों। बैक जाने के बाद यहाँ पर बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है, और बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आगे आ जाना, ठीक है दोस्तों। 1.25 सेकंड पे, 1.25 सेकंड पे आने के बाद इस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों, और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर हमें दो फोटो छोड़ देना, और 4.3 सेकंड पे जो फोटो है इस फोटो पर इफेक्ट पेस्ट कर देना। फिर 6.9 सेकंड पे आना, और इस तरह से इफेक्ट पेस्ट कर देना। अगर दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो आप मुझे बता देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। सो आपके लिए ऐसे यूनिक वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं हमेशा, न्यू स्टाइल में स्टेटस, तो इस चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो दोस्तों, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, इसी तरह से मैं लास्ट तक ये वाला इफेक्ट लगा दिया हूँ। उसके बाद हमें एक बार और बैक चले जाना दोस्तों, और शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट वाली फ़ोटो हो गई, सेकंड वाली फ़ोटो हो गई, अब जो लास्ट वाली फ़ोटो है इस फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करना दोस्तों, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद बैक जाना है, और बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करना है। उसका जो भी हमारी फर्स्ट वाली फ़ोटो है उस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों, और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है, और PNG वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना दोस्तों, और को सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है। उसके बाद फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और कॉपी थ्री लेयर करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना, बैक जाने के बाद बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और पेस्ट थ्री लेयर कर लेना। उसके बाद लास्ट तक आकर देख लेना है इफेक्ट यहाँ पर इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा तीन लेयर है लास्ट तक नहीं आ रहे, तो इस तरह से लेयर पर क्लिक करना दोस्तों, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लास्ट तक ले आना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं लास्ट तक लाकर बता देता हूँ। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना, और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।